अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर मैं हमारे कराम इस कॉल में जितने मौजूद हैं अपने सबको ले रहा था। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी माजी सिरे का और एक मुस्लिम दोस्तों लोगों का जिन्होंने इस बात का साझा किया इस्लाम जो हुकूक औरत को देता है वो कोई और नजर नहीं देता। इसकी दलील इस बात से कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और भाई बात कर रही हूँ। बेचारी मुसलमान औरतें, मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि मुसलमान औरतें बेचारी नहीं है। अल्लाह ने उनको बहुत सारे हकूक दे रखे हैं, आपने उन हकूक को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे वो जायदाद का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, ये हुकूमत हमको दबाने की कोशिश कर रही है। और अल्लाह ने हमें इतना हकूक दिया है कि हम उसे दबने वाले नहीं। जायदाद का जो आप 2% हिस्सा दे रहे हैं वो बोर्ड में हमारी, ये हमारा हिस्सा था है और हमेशा रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। यही बात औकाफ की, हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी औकाफ के बारे में। मुझसे माशाल्लाह हमारे भी हमारे यहाँ हैं जो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। मैं बस चंद बातें कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने जो हुकूम दिया है वो तो हमें पूरा मिलता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हुकूम देते हैं वो आप हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सरकार से 8.25 8.25 8.80 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
तैयार है ना, और इसलिए हम तैयार हैं और इस आज इस इजलास से हम ये बात को अपनी बहनों को भी बताना चाहते हैं कि हम बेकार नहीं है, आज भी ऊंचाई आज भी अपने बच्चों का रुकन बनाए मन बना सकते हैं, अगर वो जिहाद के रास्ते में, अगर वो अल्लाह के रास्ते में अपने बच्चों का प्रॉपर्ली बचाने के लिए करते हैं। इन बातों के साथ इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं हैं, जहाँ इंशाल्लाह मुझसे सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, यहाँ खड़ा करने का, और ये बात पूरी दुनिया में बताने का। इस्लाम एक वाहिद मसला है जो औरतों को हुकूमत देता है।